बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सलामत रखे सबको। और आपके सामने हाज़िर हैं न्यू वीडियो के साथ। आज डैना पैक रूलर का काम करेंगे। इसकी वाइब्रेशन नहीं काम कर रही, वाइब्रेशन मोटर काम नहीं कर रही, वाइब्रेशन नहीं लग रही इसकी ना। इसको चेक करेंगे क्यों नहीं लग रही, ठीक है। और हमने इसका इलेक्ट्रिकल भी चेक कराया, वो ठीक है। इसके सनलाइट होते हैं इलेक्ट्रिकल पंप के, ये देखो सामने लगे हुए हैं। सबसे पहले जब भी कोई ऐसा मसला है तो इलेक्ट्रिकल चेक कराएं, उसके बाद फिर अपना चेक करें दूसरा हाइड्रोलिक सिस्टम का जो भी है। तो हमने इसको चेक कराया और उसके बाद हमने पैप खोले हैं इसके पंप के ऊपर से। ये पैप दोनों खोले हैं और एक इसका सराह बंद है, ठीक है। ये ऊपर देख रहे हैं होल और आगे देखें हल्की नहीं जा रही, बाहर कितना होल है और अंदर क्लोज हो गया। इसकी वजह से अब चेक करेंगे मोटर लगा के काम करती है कि नहीं, और इसकी वजह से वाइब्रेशन नहीं लग रही थी, ठीक है। ये पैप प्रेस हो गया था और इसकी वजह से वाइब्रेशन नहीं लग रही थी, ठीक। अब इसके हमने दोनों पैप चेंज कर दिए, दूसरे रूलर के लगा दिए और फिर हमने लगाया, फिर भी वाइब्रेशन नहीं कर रहा था ये रूलर। तो उसके बाद हम इसकी मोटर खोल के चेक करेंगे। पहले पंप खोलने से पहले मोटर चेक करेंगे इसकी, तो मोटर की क्या पोजिशन है, कचरा शचरा तो नहीं गया? ज़ाहिर कचरा ही गया होगा क्योंकि ये हम चेक कर रहे हैं अभी। मुझे पैप चेंज करके हमने चेक किया, ये नहीं काम कर रही, ठीक है। अब इसकी मोटर खोलनी पड़ेगी। ये मॉडल नंबर है इसका। ये हमने मोटर खोली इसकी और ये शेष प्लेट जो है, प्लेट कटी हुई है, ये देखें, ये काफ़ी कटी हुई है इसकी प्लेट, जिसकी वजह से वाइब्रेशन नहीं लग रही थी। वो पैप ज़्यादा प्रेस हो गया था, इसकी वजह से कचरा गया और मोटर हमारी सारी स्क्रैच आ गई, डैमेज हो गई है। ये प्लेट देखें डैमेज हो गई है सारी, ये रूटर भी दाग गया और प्लेट भी दागी हो गई है। ये मुकम्मल हमने, ये केम है इसकी, ये प्लंजर है रूटर, ये केम है इसकी, ये भी कटी हुई है, ठीक है। ये देखें ये कटी हुई है, ये शाफ्ट इसकी, ये मुकम्मल वाइब्रेशन मोटर का सामान है, स्पेयर पार्ट इसका मुकम्मल है। नौ प्लंजर है इसके, मोटर के नौ प्लंजर हैं, ठीक है। इस जगह पे केम बैठती है, ये होजेंगे इसका, इस ये केम हमने बैठा दिया इसके ऊपर। इसको हम पैक कर देंगे और मोटर चेक करेंगे, उसी रूलर की लगा देंगे हम चेक करने के लिए। ये होते हैं जैसे सील आ गए, ये इसका मुकम्मल स्पेयर पार्ट है, ठीक है। शाफ्ट, बैरिंग, स्पेसर, ये जो तीन लगे हुए हैं ना गोलियाँ, ये वाली जिसके ऊपर हमने रखा है, ये इसकी स्टेंशन के लिए है। रूटर और प्लेट आपस में जो टाइट रहती हैं, जो प्रेशर जब बनता है, ठीक है, इसका आपस में ये टाइट रहती है, ठीक है। ये इसके पिनों के नीचे स्प्रिंग है, ताड़ होती है इसमें, रूटर और ये प्लेट दोनों आपस में मिल के चलते हैं, दबाव होता है इसका, ठीक है। ये प्लंजर है इसके, नौ प्लंजर वाली मोटर है, ये ठीक है। ये हमने इसको आरजी तौर पे फिट कर दिया, ठीक है। इसको चेक किया, इस मोटर डैमेज हो गई है, अब दूसरी मोटर लगाएंगे और आपको चेक कराते हैं। ये लो आपका, हमने चेक करी, ये दोनों वाइब्रेशन ठीक है, फ्रंट और रियर दोनों वाइब्रेशन ठीक हो गई है। ये पैप प्रेस की वजह से ये मसला है जी। अब हमारा रूलर ठीक हो गया है, डैना पैक रूलर, वाइब्रेशन इसकी ज़बरदस्त हो गया। ये देखा आपने, स्लिप जब वाइब्रेशन लग रहा है, ये स्लिप मारा था ऐसे फ्रंट और रियर दोनों, और ठीक है। ये दुआ में हमें याद रखना, हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे। ओके खुदा हाफिज़।